कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में हाहाकार मचा है और ऐसी ही स्थिति अपने देश की भी है। इसलिए एहतियातन कई शहरों में लॉकडाउन किया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में रविवार को लॉकडाउन करने की घोषणा की गई और साथ साथ रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने भी जिले में लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर कोई अपने घरों के भीतर मौजूद था और जनता कर्फ्यू को सफल मानकर ही रेवाड़ी में 31 मार्च तक रोज़मर्रा की चीज़ों और मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सब बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन सोमवार को सुबह कुछ दुकानदारों ने धारा 144 की परवाह ना करते हुए अपनी दुकानें खोली भी, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें बंद करा दिया। जिला उपायुक्त ने धारा 144 का पालन कराने के लिए अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं ताकि कोई भी घरों से बाहर ना निकले और कोरोना वायरस पर लगाम लगाई जा सके। लोग घबराए ना, जरूर से ज़्यादा सामान खरीद कर स्टॉक ना करें। इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किराना स्टोर, फल सब्जी की दुकानें रोजाना खुली रहेगी। माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश अनुसार जरूरी वस्तुएं आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। जैसे आप खाने की वस्तुओं के लिए, खाद्य सामग्री के लिए किराना स्टोर पर ज्यादा भीड़ में इकट्ठे ना हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री आपको मिलेगी और प्रतिदिन मिलेगी, इसलिए आप घबराए नहीं और किसी भी किराना की दुकान पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। इसी प्रकार से डीजल, पेट्रोल, LPG, दवाइयाँ और अन्य रोजमर्रा की जो खाने की वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, आपको निर्बाध रूप से यूं ही मिलती रहेगी। आप घबराए नहीं और किसी भी किराना की दुकान पर खाद्य सामग्री के लिए ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, आराम से लें और प्रतिदिन ये चीजें आपको यूं ही मिलती रहेगी। धन्यवाद। जिलाधीश द्वारा दिए गए आदेशों में खाने पीने की चीजें और मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सब बंद करने के निर्देश दिए हैं और धारा 144 लागू करके निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक अपने घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले और जरूरी सामान लेने के लिए केवल एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकता है। बता दें कि परचून की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें और दूध दही की दुकानें ही खोली जा सकती है और रेस्टोरेंट ढाबे खोल सकते हैं, लेकिन केवल खाना पैकिंग के लिए, वहाँ बैठकर खिलाने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा मेडिकल सेवाएँ जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं। वहीं ज़रूरत की सेवाएं जैसे पेयजल, सीवरेज, बैंकिंग सेवाएं, टेलीफोन एंड इंटरनेट सेवा, बिजली, पेट्रोलियम, मीडिया, IT सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको बता दें कि केवल वो कंपनी फैक्ट्री चालू करने की इजाज़त है जो रोज़ाना की चीज़ों की प्रोडक्शन करती हो। जैसे मेडिकल संबंधित और खाने पीने की संबंधित चीज़ों का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री को ज़रूरी सुरक्षा इंतजाम करने पर ही चालू रखने की इजाज़त है। इसके अलावा सभी कंपनी फैक्ट्री बंद करने के आदेश दिए हैं। दुकानदार फल, सब्जी और मेडिकल संबंधित जैसे मास्क, सैनिटाइजर की कालाबाजारी ना करें। इसके लिए संबंधित विभागों को लगातार स्टॉक चेक करने के लिए और शिकायतों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला उपायुक्त का कहना है कि लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक रेवाड़ी जिले में कोई एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने नहीं आ पाया है। 11 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 3 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके अलावा 3 व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं 73 लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग उन पर निगरानी रखे हुए हैं। जितना भी एक्सटेंड तक, जितनी भी लिमिट तक रेवाड़ी में बंद किया गया है, उसको हम एनफोर्स करा रहे हैं। हमारी टीम्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस, ये जॉइंटली बंद करा रहे हैं और जो भी कंप्लेंट आएगी हम उसको बंद कराएंगे। असेंशियल सर्विसेज हमारी चलती रहेंगी, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, पेट्रोल पम्प हैं, गैस एजेंसीज हैं, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स और दूसरी एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी। सर, शराब के लिए भी खुले हुए हैं, लगातार लोग वहाँ पर शराब परचेज कर रहे हैं। जो आते हैं वो तो सारे बंद करा दिए गए हैं। शराब के ठेकों का अभी मैं एक बार DTC से पता करता हूँ और जो भी कंप्लेंट आएगी आप भी बताइए हमें, हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ भी जो भी कंप्लेंट आ रही है हम एक्शन ले रहे हैं। सर, काफ़ी दुकानों पर जो सैनिटाइजर हैं या मास्क वगैरह वो अवेलेबल ही नहीं है। जहाँ है तो वो महंगे दे रहे हैं। हमने, भारत सरकार ने
इसके सैनिटाइज़र के और मास्क के रेट फिक्स कर रखे हैं, उस रेट से ज़्यादा अगर कोई बेचेगा तो एक्शन लिया जाएगा। एक फार्मासिस्ट के अगेंस्ट हमने लिया भी है ऑलरेडी एक्शन, और भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे और अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कराएंगे।